हज़रात ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। आज हम गारुलिया डनबर मिल सैयद साहब बाबा के मज़ार में आए हुए हैं, जो कि यहाँ का सबसे पुराना, काफ़ी हिस्टोरिकल ये जगह है, काफ़ी पुराना, और ये काफ़ी पुराना मज़ार है। और यहीं पे मोहम्मद जो नाज़िर हुसैन है, आपको कुछ शायर या नात पढ़कर सुनाएंगे। तो नाज़िर हुसैन साहब, एक झलक यहाँ देखिए और हमारे ऑडियंस को कुछ नात पढ़ करके सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंद शेर समात फरमाए फिरोज भाई, इरशाद अल्लाह भाई, शेर मुलाजमा फरमाए। उम्र बर में कम से कम एक बार होना चाहिए, उम्र भर में कम से कम एक बार होना चाहिए। और सबुज गुम्बद का हमें दीदार होना चाहिए, उम्र भर में कम से कम एक बार होना चाहिए। और लाडला भाई और फिरोज भाई, शर्म साध है। हजरत अहमद रजा, ये सबक हमको दिए। हजरत अहमद रजा, ये सबक हमको दिए। लब पे कोरा हाथों में, लब पे कोरा हाथों में कुरान होना चाहिए, उम्र भर में कम से कम एक बार होना चाहिए। और सबुज गुम्बद का हमें दीदार होना चाहिए, उम्र भर में कम से कम एक बार होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने अभी सुना नाज़िर हुसैन साहब को, वो अपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपको नात पेश करें, जो आप लोगों ने सुना। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, और हमारे नाज़िर हुसैन साहब को थोड़ा फेमस करिए। और हम जो जगह पे खड़े हैं, ये बहुत ही पुराना मज़ार है, काफ़ी हिस्टोरिकल है, और ये जगह भी काफ़ी पुराना है। डनबर मिल नाम है इसका, और इसके अंदर ही सैयद बाबा का मज़ार है, और आप ज़ियारत भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, मज़ार बहुत ही पुराना है। तो दोस्तों, मैं बस यही कह करके आपसे इजाज़त मांगता हूँ। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। घंटा ज़रूर दबाएं।